नमस्कार, मैं हूँ प्रांशु और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो के इंटीरियर्स के बारे में। आज मैं आपको बोलेरो के इंटीरियर्स का एक डिटेल्ड वॉकराउंड देने वाला हूँ, प्लस आज हम सारी फीचर्स डिस्कस करेंगे। महिंद्रा बोलेरो की साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ महिंद्रा बोलेरो के ड्राइवर सीट पर। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को, ये वही स्टीयरिंग व्हील है जो आपको महिंद्रा बोलेरो न्यू एज वेल एज महिंद्रा थार दोनों में ही देखने को मिलता है। और बोलेरो में आपको कोई भी जो है लेदर रैप्ड फीचर देखने को नहीं मिलेगा, नहीं आपको यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है ब्लैक कलर में और देखने में काफ़ी खूबसूरत है और होल्ड करने में भी काफ़ी अच्छे ग्रिप प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप थंब कॉन्टोर्स भी जो है देख सकते हैं आपको दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों महिंद्रा का पुराना लोगो। अभी आप कार परचेज करने जाएंगे तो आपको नया लोगो मिलने वाला है। यहाँ पर एयरबैग दिया गया है, हॉर्न पैड दिया गया है, देखने में काफ़ी ही अच्छा है। और साइड में हम आ जाए तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं एसी वेंट्स और इसी के नीचे आपको उनका कंट्रोल्स दिया गया है। आप इसे ऑफ और ऑन कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइट लेवलिंग के कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पर पास में इसका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के कंट्रोल है। प्लस यहाँ पर आपको एक डमी स्विच दिया गया है, अगर आप बाहर से कुछ भी इंस्टॉल कराना चाहें तो आप यहाँ से उसे कनेक्शन करवा सकते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं लाइट के कंट्रोल्स प्लस इंडिकेटर के कंट्रोल्स और यहाँ से जो आपका फॉग लैंप ऑन होगा, प्लस यहाँ से जो है डिपर फंक्शन आप कर सकते हैं, यहाँ से लाइट्स ऑन कर सकते हैं, प्लस इंडिकेटर दिए गए हैं। प्लस इसमें आपको लेन चेंज इंडिकेटर्स भी जो है देखने को मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर आपको सारे वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। महिंद्रा बोलेरो टॉप एंड वेरिएंट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये B6 ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पर आपको रियर वॉश एंड वाइप भी जो है ऑफर हो जाता है, इससे एक नीचे वेरिएंट में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैं ऑन कर लेता हूँ। तो हमने दोस्तों कार को ऑन कर लिया है और ऐसा कुछ इल्यूमिनेट होकर दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेम्परेचर के रिगार्डिंग दिया गया है, सारी टेल-टेल लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्पीडोमीटर, ये जो दिया गया है ये है रेव काउंटर, यहाँ पर है ओडोमीटर और यहाँ पर दिया गया है फ्यूल लेवल का इंडिकेशन। प्लस यहाँ पर लो फ्यूल की भी जो है वार्निंग यहाँ पर आपको दी जाती है। और इसी के साथ कनेक्टेड वे में आपको देखने को मिलता है दोस्तों महिंद्रा बोलेरो का इंफोटेनमेंट सिस्टम, या जिसे DIS महिंद्रा बुलाता है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर कोई भी आपको टच कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर ऑफर हो जाती है। आपको देखने को मिलता है गियर पोजिशन इंडिकेटर, क्लॉक और नीचे जो है ट्रिप टाइम भी जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। आप इसे टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एज वेल एज डिस्टेंस टू MTB जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और पास में एक छोटी सी स्क्रीन में भी दोस्तों आपको काफ़ी सारी इमरजेंसी लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एयरबैग माल फंक्शन, सीट बेल्ट अलर्ट, ABS सिस्टम अगर आपका माल फंक्शन हो चुका है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और एज वेल एज आपकी कार का कोई डोर ओपन है तो भी वो आपको बता देगा। मैं आपको जैसे करके दिखाता हूँ, जैसे अपना डोर ओपन है तो यहाँ पर ही आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज अगर आपका DPF क्लॉक हो चुका है या फिर उसका लेवल डाउन आ गया है तो भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं AC वेंट्स एज वेल एज यहाँ पर महिंद्रा की तरफ से कैनवुड का साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। ये सिंगल डिन सिस्टम है दोस्तों, पर इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑक्स रेडियो, ब्लूटूथ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप इससे कॉल भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया है महिंद्रा की तरफ से। यहाँ पर आपको पेन ड्राइव का भी जो है इनलेट देखने को मिल जाएगा एज वेल एज ऑक्स का। इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिए गए हैं दोस्तों मैनुअल AC कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको ब्लोअर स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, और काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल AC आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छी कूलिंग ये करता है। यहाँ से आप AC ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हीटर, आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये दोस्तों फ्रंट डिफॉगर का जो है फीचर यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर जो आपको थर्मोस्टेट जो है दिया गया है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं आपकी एयर का टेम्परेचर। और नीचे की तरफ आपको दिया गया है दोस्तों 12 वोल्ट का सॉकेट, एज वेल एज यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पर बात करें तो आपको 5 स्पीड का जो है गेयरबॉक्स देखने को मिल जाएगा ब्लैक फिनिश के अंदर, और यहाँ पर आपको लेदर बूट भी जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों और कार को काफ़ी प्रीमियम बनाता है।
ये दोस्तों गेयरबॉक्स केबल ऑपरेटेड देखने को नहीं मिलता है आपको, ये पूरा मैकेनिकल गेयरबॉक्स है। लाइक इवन आप इसे शिफ्ट करेंगे, विंडोज रोल डाउन करेंगे तो आप प्योर मैकेनिकल साउंड जो है आप सुन पाएंगे। ये बिल्कुल अच्छा गेयरबॉक्स है। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हैंड ब्रेक, यहाँ पर भी आपको कुछ सामान रखने के लिए जगह मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोस्तों विंडो कंट्रोल्स, ऑल फोर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं, एज वेल एज आपको यहाँ पे विंडोज को लॉक करने का भी जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रियर विंडोज को। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ग्रैब रेल, और अभी 2023 का जो लेटेस्ट वेरिएंट है दोस्तों वहाँ पर आपको एयरबैग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो ये ग्रैब रेल को जो है रिमूव कर दिया गया है और डैशबोर्ड जो है ऐसे कर्व में दे दिया गया है, यहाँ पर आपको एयरबैग अभी लेटेस्ट वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी अभी एयरबैग नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको ऐसे कुछ डिजाइन देखने को मिलती है पैसेंजर साइड में, यहाँ पर भी एसी वेंट्स और कुछ सामान रखने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स में डिसेंट सी स्पेस है, आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें आप रख सकते हैं, सर्विस मैनुअल, ओनर्स मैनुअल और भी कुछ। इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डे नाइट IRVM जो कि मैनुअल एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपको पास में मिलते हैं सन वाइजर्स, किसी भी तरीके का वैनिटी मिरर जो है यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं पैसेंजर साइड भी जो है नहीं दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपको माइक देखने को मिलता है, ये फीचर भी केवल आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही अवेलेबल हो पाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एक कैबिन लैम्प, यहाँ पे आप इसे डोर ऑन ऑफ पर एडजस्ट कर सकते हैं। पूरे कैबिन में आपको जो है दोस्तों सिंगल लैम्प ही ऑफर होता है। पैसेंजर साइड जो है दोस्तों आपको ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि फोल्डिंग मैकेनिज्म के साथ नहीं आते हैं, एज वेल एज आपको ड्राइवर साइड जो है देखने को नहीं मिलेंगे ग्रैब रेल्स। बात करें दोस्तों फ्रंट सीट बेल्ट्स की, तो आपको रिट्रैक्टेबल मैकेनिज्म के साथ जो है सीट बेल्ट्स देखने को मिलते हैं, और एज वेल एज आपको फ्रंट के सीट बेल्ट्स जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कार के डोर पैड्स की, ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं दोस्तों आपको सिंपल से डोर पैड्स। यहाँ पर आपको दिया गया है एक ब्राउन एज वेल एज बेज का ड्यूल टोन ट्रीटमेंट, यहाँ पर दिया गया है डोर लीवर्स, यहाँ से आप जो है कार को लॉक एज वेल एज अनलॉक कर सकते हैं। नीचे आपको जो है दोस्तों कुछ यूटिलिटी स्पेस दी गई है, सेम आपको इसी तरीके से दोस्तों आपको पैसेंजर साइड डोर पैड भी जो है देखने को मिलने वाला है, पर यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको नीचे एक ग्रैब रेल भी जो है देखने को मिलने वाला है। अब बात और फुटमैट्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑथराइज्ड महिंद्रा से ही हमने परचेस करे थे, आपको कार के साथ जो है नहीं देखने को मिलेंगे। एज वेल एज आप देख सकते हैं कि कार में जो है लेमिनेशन भी जो है की गई है। इस सारे दोस्तों एसेसरीज का पार्ट है। अब दोस्तों टेस्ट कर लेते हैं महिंद्रा बोलेरो के साउंड सिस्टम को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीकर्स की, या फ्रंट में आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे जो कि डोर पैड्स पर नहीं दिए गए हैं, इनका यहाँ पर इंसर्ट किया गया है इस जगह अंदर की तरफ ड्राइवर डैशबोर्ड के अंदर। और रियर में जो आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं वो भी आपको डोर पैड में जो है नहीं मिलते हैं, वो उसका प्लेसमेंट भी जो है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए टेस्ट करते हैं म्यूजिक सिस्टम को। बात करते हैं दोस्तों रियर डोर्स की, तो यहाँ पर भी आपको सेम तरीके का ट्रीटमेंट जो है देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको दिया गया है आर्म रेस्ट, यहाँ पे आपको पावर विंडोज कंट्रोल जो है पीछे वाले डोर पर जो है देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर है आपका डोर ओपनिंग लीवर और ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको डोर पैड्स। अब चलते हैं दोस्तों रियर के इंटीरियर्स की तरफ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पेशियस सीट जो है आपको पीछे की तरफ देखने को मिलती है, आपको आर्मरेस्ट भी जो है देखने को दिया गया है, और यहाँ पर जो है सीट बेल्ट आप देख सकते हैं
दोस्तों सीट बेल्ट जो है पीछे कुछ भी काम के नहीं है। नहीं दोस्तों, प्रॉपरली सीट बेल्ट आपको लॉक करते हैं, ना ही इसके अंदर कोई भी रिट्रैक्टिंग मैकेनिज्म दिया गया है। ये केवल एक नॉर्म को फुलफिल करने के लिए जो है महिंद्रा ने प्रोवाइड करे हैं, ऐसा जिसका कोई भी यूज़ नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप डोर पॉकेट्स जो है देखने को मिलती है। पर दोस्तों ये जो सीट कवर्स आप देख रहे हैं, ये आपको स्टॉक कार के साथ नहीं देखने को मिलने वाले हैं। स्टॉक कार में आपको बेज सेमी लेदराइट सीट कवर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसका फ्रंट पोर्शन जो है फैब्रिक का रहने वाला है और रियर पोर्शन जो है लेदराइट का रहने वाला है। ये सीट कवर्स जो है आफ्टर मार्केट फिटमेंट का पार्ट है। बात करते हैं दोस्तों लास्ट रो के बारे में, तो रियर डोर को ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं इतना कुछ आपको बूट स्पेस देखने को मिलने वाला है अगर आप सीट्स को फोल्ड करके रखेंगे। अगर आप सीट्स को ओपन करते हैं, बूट स्पेस जो है थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आपको जंप सीट्स देखने को मिलती है, जो कि ऐसे साइडवेज फोल्ड होती है। और रियर में हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको एक पॉकेट दी गई है, यहाँ पर आपके सारे टूल्स जो है यहाँ पर फिट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं सारे टूल्स जो है यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर जैक जो है दोस्तों आपको यहाँ पर प्लेस्ड मिलेगा, और ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है दोस्तों आपको रियर डोर पैड। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको एक इनलेट दिया गया है रियर वॉश पाइप के लिए, वाटर फ्लूइड जो है आप यहाँ से डाल सकते हैं। क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जो है आपको दोस्तों ग्रैब करने के लिए हैंडल दिया गया है। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर दिया गया है, एज वेल एज ओपनिंग मैकेनिज्म जो है यहाँ पर दिया गया है। डोर पैड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं दोस्तों, बेज कलर में दिए गए हैं। अब क्लोज कर देते हैं डोर को। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको महिंद्रा बोलेरो के रिलेटेड या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंटेंट अगर आप चाहते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, मैं आपके लिए ऐसा ही ऑटोमोबाइल कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।